हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी यहाँ पर गुड्डू और गुड्डू के पापा लगे हुए हैं गाजर का हलवा बनाने की तैयारी में, और मुझे बोल रहे हैं काफी देर से कि मिट्टी का चूल्हा जला लो और फिर जो है हलवा बनाएंगे। 3 किलो गाजर मैंने इनको बोला था, 3 किलो ही लेकर आई, ज्यादा नहीं लेकर आई। 4 किलो? मुझे तो 3 का ही पता था। मैं तो झूठ बोल के 4 किलो। और गुड्डू जब से चिड़ी जा रही, कह लगी आप तो कुछ करवा नहीं रही। मैंने कहा जब मैं काम कर रही थी तब आराम कर रहे थे। ये सब तरीका बताया मैंने, मतलब जब गाजर को छील ले तो थोड़ी सी इधर से काट, थोड़ी सी इधर से, और इसने इतनी काट दी। हाँ, ज्यादा नहीं काटनी। देखा बेटा, बचत करना सीखो, बचत। ठीक है, आरुषि कह रही कि कल को जाओगे क्या आप वहाँ पे? है? इसके मम्मा के यहाँ पे है। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा तो, पर तुझे छोड़ के आऊंगा। क्या धमका रही आपको? देखा, हम तो भेज देंगे। क्या हो गया? भेजाना नहीं चाहती है पर आगे भेज देंगे। यानी गुड्डू, गुड्डू तो कर लगी हुई है, तो हलवा खाना। चलो मैं कोई नहीं पूरा कर रही। मदन क्या कर रही? चूल्हा जला रही है। ओ कबूतर का अंडा कहाँ से मिला है? वहाँ कबूतर ने जम्मा उड़ दिया। इसने नहीं तोड़ा, ये टूटा हुआ ही था पहले ही। किसने? वहाँ कर रही थी ना, कबूतरों की लड़ाई हो रही थी जब मैंने सोचा बच्चे बच्चा है इसमें, पर इसमें हाँ। तो मीट वो नीचे गिरा हुआ था क्या? नहीं, और बच्चे पे पड़ा होगा, अब नीचे गिर गया। तुझे किसने दिया? मम्मी ने। हाँ भाई, तू क्या कर रहा? मैंने पहली बार हाथ में लेकर देखा अंडा, कबूतर का या कबूतरी का? कबूतर का। कबूतरी कबूतरी ने बैठी थी जब वहाँ। कबूतरी तो बस खाने की तलाश में रह रहे हैं। हाँ, तो खाने की तलाश में तो सभी रहे हैं भाई। सुबह 10:30 बजे से लेकर अब तक मुझे परेशान कर दिया इन्होंने, अब मुझे इन्हें बाहर लेकर जाना ही पड़ेगा। चलो भाई, आराम से आरुषि, लगता आराम से। राइडर है तैयार और ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। चलो भाई, गली हमारी टूटी फूटी भाई, इसमें खुदाई चल रही थी बहुत दिन पहले टंकी वाली, तो वो अभी भरी नहीं है। आरुषि आराम से गिरना चाहिए भाई। भाई सड़क पे आ गए और मैं इधर किनारे किनारे पे हूँ इनका ध्यान रखने के लिए। बुग्गी आ रही भाई साइड में, साइड में। आज तो भाई इसका दोस्त एक बच्चा और भाई लड्डू इनकी कंपनी में शामिल है, हैं, और पैदल ही भाग रहे हैं। और भाई रुक जा, तुझे भी बैठाऊंगा साइकिल पे। अब ठीक है, अब दोनों बैठ गए भाई। ये पैदल भाग रहा था, हैं, ठीक लग रहा नहीं? क्या हुआ? चल नहीं रही है, डाउन होगी क्या? क्या हुआ उसे? मुझे लग रहा है इसकी बैटरी खत्म फिर है। है ना? है लड्डू? चलो तो घर की तरफ। ये खत्म होगी? हाँ, चलो तो। धक्का हो तो ये भी पता भाई, धक्का लगाना पड़े जब भाई बैटरी डीजल पेट्रोल खत्म हो जा है। देखा कैसे चली? मैंने देखी थी। देखी है? देख लो कैसे चले ये मशीन, फिर मत मुझे कहिए। पता, बस यो लगा दो। क्या लगा दो? बस यो लगाना और फिर स्टार्ट कर दो, बस ये हुआ काम इसमें। भाई तुझे तो पता पहले ही है, जब हमारा घर बनना था वे मिस्त्री जी बना रहे थे, जब नहीं चल रही थी ये मशीन। हमारा कौन सा घर? वही जोन सा हम वो बेड बदले गए थे जब। अच्छा, जब चल रही थी वो लकड़ी पे। हाँ, वो भी ऐसी थी। कहाँ जाओ तुम? घर बाइक सुबह तो 4 दिन तक नहीं लग रही क्या? अब तो फुल चार्ज तो हो जाने दो, आरुषि ने चला ली। पापा जी आ जाओ घर। चलो कहाँ? आरुषि का वो लड्डू पे चलो। हैं अभी यार, तुझे तो तुरंत लग जा, मैं कह रहा थोड़ी देर में चलेंगे। हाँ बोर हो रहा, इतने में पैदल वहाँ ट्रैकिंग करके। इतना महंगा तू साइकिल चला ले पापा जी। हाँ चला ले जाओ, मैं तो पैदल जाऊंगी। तो
अभी यहाँ पर प्रोग्राम चालू हो चुका है हलवा बनाने का, और ये तुरंत ही प्लानिंग बनी कि बच्चे घर पर हैं तो चलो कुछ मीठा खिलाते हैं इनको। और आरुषि बोल रही थी कि मम्मी कुछ अच्छा सा बनाओ, तो मैंने पनीर भी मंगा लिया है, ये गांव में से ही लेकर आए थे, अभी बनाएंगे हलवा। इधर मावा निकल गया है और देखते ही देखते थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, लेकिन हमने लाइट का प्रबंध यहाँ पर कर लिया है। जब मिट्टी का चूल्हा जला रहता है तो सबका हाथ सेकने मन करता है, और पड़ोसन ताई जी भी आ गई हाथ सेकने के लिए, और बात भी करते रहते हैं, हाथ भी सेकते रहते हैं। और एक जने का यहाँ पर जो भी काम करता है चूल्हे के पास में बैठकर, उसका मन भी लगा रहता है, मतलब वो खाली बोर नहीं होता, उसे ऐसा नहीं लगता कि हाँ यहाँ पर मैं ही बैठा हूँ। तो माँ जो है जब भी गाजर का हलवा बनाती है तो उसमें दूध जरूर डालती है, तो यहाँ पर माँ ने इसमें दूध भी छान दिया है और दूध में पकाएगी इसको पहले। आज माँ बेटा दोनों की ही ड्यूटी लगने वाली है गाजर का हलवा बनाने में। तो भाई अभी बज गए हैं 7 और खाना बना के खिला दिया सबको, बस बच्चे रह रहे आरुष आरुषी, वे कह रहे हम थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ खा लिया था इस वजह से। तो मुझे करनी है अपना व्लॉग एडिट और मैं चल दी ऊपर, अभी इन दोनों माँ बेटा की ड्यूटी लगी, वैसे इनकी लगी हुई है, आज मैंने नहीं हाथ लगा, बस थोड़ा सा इसमें गज्जर तो डाल ली और थोड़ा हम मावा चलाया, बस इतना काम मैंने करा। आज ये दिशा निर्देश देने में गज्जर कसना, पहले उससे पहले उन्हें छीलना और फिर कद्दूकस करना गज्जर को, और बस यही काम तो भारी रहता है, और फिर इसे चलाना, और ये तीनों ही काम मैं और माँ कर रहे हैं। वैसे इसने भी अपना हाथ लगा दिया ताकि कोई ये ना बोल सके कि तेरा इन्वॉल्वमेंट गज्जर का हलवा बनाने में नहीं रहा, तो इसने भी अपना इसमें हिस्सा कर लिया है भाई, बनाने में योगदान। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये अभी पक चुका है और काफ़ी हद तक और पकना बाकी है, मतलब काफ़ी हद तक ही होती है सारी चीज़ें इसमें जब तक इसका पानी बना लगे। मावा तो निकल गया, गज्जर कसे गई, बस खा के ना कढ़ाई में ही तो डालना, ये बोले नहीं बस अब तो हम लग गए तो हम इसे अभी बना के छोड़ देंगे। ये तो कह रही थी कि इसकी जो प्रिपरेशन है काट पीटना गज्जर को कसना ये सब चीज़ हो चुकी हैं, खोया वगैरह निकालना और सुबह बना लेंगे। मगर सुबह इतनी सर्दी हो गई और बिस्तर में से निकलने को मन नहीं करता, अभी बना लो जो बनाना। तो वारी सबेरे इसे ही, अब तो ठीक भी है, चूल्हा जल रहा और यहाँ पे आग भी सेक रहे धीरे धीरे, और ये काम भी होता जा रहा, तो जितना बन जाएगा बन ही जाएगा अभी। तो वो सारा दूध जो है इसमें जला लिया था, यानी कि सब का जो है मिक्स हो गया था। गाजर अच्छे से पकने के बाद में अभी इसमें चीनी ऐड कर दी है, चीनी डालने के बाद में फिर से ये पानी सा छोड़ देती है। तो इसमें भाई काफी देर हो गए लगे हुए, हम लगभग 5:30 बजे से लग रहे इसमें और 7:30 बज गए। पहले मावा निकलना और भाई उस दौरान जो है गज्जर छील के कसने में भी टाइम लगे और इसे पकाने में तो ज़बरदस्त टाइम लगे। तो मैं और माँ बैठे भाई बारी बारी से चला रहे, अब इसमें शुगर ऐड करने का टाइम आ गया था, शुगर ऐड इसमें कर दी है और फिर इसमें खोया ऐड करने का टाइम आएगा, क्योंकि अभी तो ये एक बार और इसमें पानी पानी हो जाएगा सब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी आ गया भाई बनाना हलवा, जैसे मैं इसके दौरे बैठे रहूँ और देखता रहूँ। इसका जो साइकिल है ये बहुत देर तक चला है, पहले तो इसमें जो गज्जर में पानी हो वो सब फूंकना पड़े, इसे सुलगा सुलगा के चूल्हे को कढ़ाई के अंदर ही, फिर इसमें जैसे चीनी वगैरह डाल लें शुगर अपना, फिर वो भी पानी पानी हो जाए, फिर वो भी फूंकना पड़े, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो भाई गज्जर का हलवा जो है बनाना आसान तो है पर देर का काम है बहुत, और इसमें लगे काफ़ी टाइम। तो भाई हम यहाँ से बैठे अपने आराम से, एक तो यहाँ पर इसके आगे जीना जलो जा, तो आग हुई रहे, आग के आगे बैठने में थोड़ा सा आनंद वैसा भी आता रहे, इसलिए इसके आगे टेम भी कटते रहे, नहीं जड्डे में तो बैठा नहीं जाता भाई। ये गैस का चूल्हा होता उस पर तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि गैस के चूल्हे पर हमने गज्जर का हलवा बनाया हो, क्योंकि भाई इसमें ईंधन की खपत भी ढेरी हो गई, उस पर काम नहीं चलने का, 10 सिलेंडर पी जाएगा एक ही कढ़ाई है छोटी सी, ये हलवा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा हिसाब किताब, इसीलिए शायद ये महंगा भी आया भाई मार्केट में। और इतने बड़े स्केल पे आग इसके नीचे लगातार जल रही पिछले 1-1.5 घंटे से, तो तब जाके एक काम बनेगा और आप लगा सकते हैं अंदाजा ईंधन फूकने का भी। वैसे आँच बड़ी मस्त हो रही इसकी तापने में,
सर्दी का नाम नहीं है यहाँ पे, आराम से बैठे हम लोग इसके आगे, कोई ज़्यादा ऐसी सर्दी खास लग नहीं रही, मज़ा आ रहा तापने में, क्योंकि इस टाइम ठंड भी बहुत बढ़ गई इस टाइम, और सुबह के टाइम तो ठंड बहुत ज़्यादा हो ही जावे। और माँ ये देखो थोड़ी सी लकड़ी और ले आई, क्योंकि भाई ये जो है ना ये उपड़े ये गिल्ले हो रहे हैं इस टाइम, नमी पकड़े रहे हैं, धमाकेदार जलते नहीं है, तो लकड़ी के सहारे कॉम्बिनेशन बना के ये भी बहुत अच्छे से जल जाए। और लाइट का प्रबंध हमने यहाँ पे ये कर ही रखा है, यहाँ पे चांदने की कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो चीनी वाला पानी भी सारा जल गया था, और ये आरुष भी देख रहा है, और आरुषि को बार बार बुला रहा है, लेकिन वो टीवी देख रही थी अंदर बैठकर। इसे ना उपले मतलब तोड़ के देना अच्छा लगता है, ये हाथ भी सेकता रहता है। जब छोटा था तो बार बार सूज बनाओ, ग्लव्स बनाओ, ये सब चीज़ें पहनानी पड़ती थी, लेकिन अभी जो है अपना अच्छे से ध्यान करता है कि मेरे पास सॉक्स नहीं है, मुझे ये पहना दो, खुद भी पहन लेता है। और देखो कई दिन से इसने जो ये दस्ताने हैं ये भी पहन रखे हैं हाथ में। तैयार हो गए तो भाई, बहुत मशक्कत मेहनत और टाइम कंज्यूमिंग के बाद जो है हलवा बन के तैयार है, और इसकी फाइनल स्टेज ये देखो आ चुकी है। थोड़ा सा और पकेगा, पकेगा मतलब कि ये पानी जो सोख लेगी वाष्प, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा और शुष्क हो जाएगा, और फिर हलवा खाने के लिए तैयार। आरुष भी आ गया ऊपर से, छत पे से आया ये अभी, और ये बताने के लिए फिर से जाएगा आरुषि को, नो कह रहा आरुषि हलवा बन के तैयार हो गया आ जा। तो इन दोनों में आज एक्साइटमेंट है हलवा खाने का। गुड्डू और चिंकी खाता नहीं, लो भाई इसने भी मना कर दी, क्यों क्या बात होगी, भूख नहीं है, भूख लगेगी तो खाएगा हैं, क्योंकि ये चीज़ भी भाई बिना भूख के तो खाई नहीं जा सकती, अगर जरा सी भी जगह ना हो और खाने की इच्छा ना हो तब नहीं खाई जा सकती है। तो भाई खाना वाना जो है वो दूसरे चूल्हे पे बन रहा था, और ये चूल्हा इंगेज रहा है 2-2.5 घंटे हलवा बनाने की प्रक्रिया में। सर्दियों में बहुत अच्छा लगे भाई, सर्दियों में ही आवे गाजर तो सर्दियों में ही बनेगा गाजर का हलवा भी। ये लकड़ी उठा रखे इसने, कहाँ से तोड़े भाई, पछुआ भूख नहीं बजा रहा, और देख गिरेगा भी, तेरे हाथ में धांस धोंस बढ़ जाएंगी भाई, इसमें से बहुत बड़ी तोड़ दो, क्या करे तोड़ के, तोड़ के कुछ करूंगा, कुछ करेगा क्या, गन गुन बनावेगा तू तो, ओ, एक सेकंड में तोड़ दी, हाँ तोड़ दी ले, ले टूट गई। और उसी को कह के आया तू, अरे तुझे कहा था, और उसी को बोल खाना दूध पी लगी, आई नहीं वो, फिर भी क्या कर रही थी, फिर भी आई नहीं, क्या कह रही थी, थोड़ी देर मारूंगी, अच्छा ये कहा, और उसी ने सब बोल दिया थोड़ी देर में आ जाऊंगी, और ये आ गया था। आज इसे वहाँ पे कंप्यूटर कोई खाली नहीं मिला, इसलिए यहाँ का बैठा, नहीं तो इसका भी टाइम नहीं लगता यहाँ बैठने का। एक पे गुड्डू अपनी पढ़ाई कर रही है, एक पे इसकी मम्मी एडिटिंग कर रही है व्लॉग का अपने, एक पे बैठी है आरुषि, और ये और आरुषि दोनों एक पे देख नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग चीजें चाहिए दोनों को चलाने के लिए, है भाई। पापा जी आपने गलत जगह पे तोड़ दी थी, मैंने यहाँ तक है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से, बता मुझे, यहाँ से तोड़, ऐसे ऐसे इतनी, ऐसे थोड़े टूटेगी, कैसे बताइए, तोड़ देते, अरे नहीं ऐसे नहीं टूटने की भाई, ये मजबूत लकड़ी है, ये हाथ में घुस जाएगी, आरी से कटे ये आरी से। तो भाई देखो ये भी आ गए यहाँ पे आग तापने के लिए है।